सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड्स में भी आएंगे ऐसे वेरियस हाँ जी गेम्स हाँ के? जी, बोर्ड में ये सारे आएंगे। बोर्ड का पैटर्न ही है वो, जो आपको अब हम क्वेश्चन डालेंगे वो बोर्ड के पैटर्न के उसी से हिसाब से। अभी हमने क्वेश्चन डाल दिए थे सारे सब्जेक्ट के, बट नाउ वी हैव टू चेंज बिकॉज यस्टरडे बिफोर डे यस्टरडे आपको सारा एक नया सीबीएसई से आपने साइट खोल के देखना है, उसमें सारा उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, उसमें 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, वो मार्क्स 35 है। जो आपके मार्क्स हैं उसको हम 35 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वन वन मार्क वैसे आपके ईच क्वेश्चन का, बट वी कन्वर्ट दैट इनटू 35। 15 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होगा, ये 15 मार्क्स और 35, 50 टोटल हो गया आपका। सेम आपका नेक्स्ट वो भी ऐसा ही एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल के उन्होंने डिफरेंट दे दिए हैं, जैसे आपने फिजिकल फिटनेस के मार्क्स दे दिए हैं, आपकी बुक जो आपका प्रोजेक्ट फाइल है उसके उसके उन्होंने मार्क्स दिए हैं, रखे हैं 5। देन देर इज ए योगा एंड फिटनेस लेवल की जो एक्सरसाइज आपको कराएंगे, फिटनेस आपका हमने चेक करना है, तो वो सारे उन्होंने मार्क्स रखे हैं 5 5, 15 मार्क्स। सेम आपका ये थ्योरी में, ये मतलब कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पहले ये होता था कि अगर आपने को आपको पूछा है कोई भी क्वेश्चन, तो यू राइट इन वर्ड वर्ड 1 लाइन 2 लाइन्स में आपने 30 वर्ड्स में लिख दिया है, तो उसमें क्या होता है, अगर आपका थोड़ा सा भी अगर एग्जामिनर को लगता है कि आपने हल्का सा भी कोई टच किया आंसर को, तो वो हाफ मार्क्स आपको मिल जाते थे। बट इन दिस केस इसमें आपको या 0 या 1। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, यस और नो वाला काम है। अदरवाइज जो 30 वर्ड्स के आप लिखते थे 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन आते थे, उसमें आधा नंबर हाफ मार्क्स मिल जाता था। बट अब ये आपको ऑप्शन नहीं होगी, या तो 0 होगा या 1 मार्क्स होगा। तो इस करके लिटिल बिट आपको बुक को थोरली पढ़ना होगा, हर चैप्टर को हर वर्ड को अच्छी तरह पढ़ना समझना है। डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट उसमें अगर किसी भी सपोज आपको वहां पे डेफिनेशन है, किस ऑथर ने दी है, किसने लिखी है, वो आपको पता होना चाहिए, वो डिफरेंट आपको दे देंगे। जैसे रिकली एंड जॉनसन आपके टेस्ट है, ठीक है, वहां पे ऑप्शन हो जाएगी कि ये सीनियर सिटीजन टेस्ट डिफरेंट आपको 4 5 हमने ऑप्शन दे दिए, किसने लिखे हैं। ठीक है, जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड है वो किसने किया है, ये सारे मतलब डेफिनेशन कोई आ गई है, ये डेफिनेशन किसकी है, तो फॉर दैट यू हैव टू गो थोरली, अच्छी तरह से पढ़ना है आपने। और कोई ऐसा नहीं है, इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, अगर आप उसको ध्यान से सोचो पढ़ो, जिसने बुक अच्छी तरह पढ़ी होगी वो बच्चा, इसमें मार्क्स भी आपके पूरे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन आपका पैटर्न है रिगार्डिंग आपका जो अब एग्जाम में आएगा। नाउ टुडे वी विल जनरली स्टार्ट विद दैट वार्मिंग अप, जो आपको मेन हमारा है वार्मिंग अप। आपको वार्मिंग अप आपको मैंने लास्ट टाइम बताया थी वार्मिंग अप क्यों जरूरी है। ठीक है, सबसे मेन पर्पस क्या होता है हमारा वार्मिंग अप का, टू अवॉइड इंजरीज, टू गेट रेडी आर मसल फॉर अपकमिंग एक्टिविटीज। जो भी हमने एक्टिविटीज करनी है उसके लिए अपनी बॉडी को रेडी रखना, प्रिपेयर कर रखना है। ठीक है, वार्मिंग अप। ठीक है, WUP इट मीन्स वार्मिंग अप। अब आपने सपोज अगर हम कोई जैसे बैठे हैं बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं स्कूल में अपनी क्लास में कोई बैठे हैं उनको, जस्ट यू स्टैंड अप एंड गो फॉर 100 मीटर रेस, तो व्हाट हैपन, क्या होगा? सर क्रैम्स या खिंच पड़ जाएगी उसकी बॉडी में, हाँ जी, उसने क्रैम्प मसल आ नहीं करी जाएगा, होगी। मसल पुल हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आर मसल्स आर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। इसीलिए हम कोई भी काम करने से, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी हो, घर पे भी कोई आपने अगर सामान उठाना हो, कोई एक्सरसाइज करनी हो, ठीक है, एकदम अगर स्टेयर आप चढ़ोगे भागोगे, एकदम अगर कहीं मतलब हम कोई भी अगर मूवमेंट एकदम फास्ट करेंगे, हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो 100% आपको इंजरीज के चांसेस हो गए, आपका मसल पुल हो जाएगा। आपने देखा होगा आज बहुत से लोगों को बैक पेन होती है। ठीक है, बैक पेन का मेन रीजन ही यही है आपका, कि आपका
बॉडी, आपका शरीर उस काम के लिए रेडी नहीं है, आप जबरदस्ती उसको काम को कर रहे हो, ठीक है, तो नेचुरली वो जो मसल्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं टियर अप हो जाते हैं, ठीक है, मसल में क्रैम्प आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से एथलीट को, आपने सुना होगा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, ठीक है, भागते भागते खेलते खेलते जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं आपके मसल्स, उनको प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही ऑक्सीजन की, लैक्टिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, थकावट हो जाती है, एट दैट टाइम देर इज अ चांसेस ऑफ क्रैम्प, ठीक है। तो आपने बहुत बार सुना होगा हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आ गई है, ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन एक इंजरीज होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वार्मिंग अप, वार्मिंग अप इज टू गेट रेडी फॉर योर बॉडी फॉर कमिंग टास्क। वी हैव टू रेज आवर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, वी हैव टू टोन अप आवर मसल्स फॉर अपकमिंग एक्टिविटीज, सिंपल है। अब वार्मिंग अप का, आपका वार्मिंग अप होती है टू टाइप्स की, एक साइकोलॉजिकली और एक फिजियोलॉजिकली। आज की डेट में साइकोलॉजिकली वार्मिंग अप का बहुत ज्यादा रोल है, आपने अपने प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली बूस्ट करना है, ठीक है, उसको ये नहीं कि वो फिजिकली अपना वार्म अप हो गया है, उसको साइकोलॉजिकल कोई पता नहीं है, वो अंदर से डरा हुआ, बॉडी वार्म अप कर ली है पर मेंटली इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। फिजिकल के साथ मेंटली हमको प्रिपेयर करना होता है अपने एथलीट को, फॉर दैट साइकोलॉजिकली वार्मिंग अप इज बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वार्मिंग अप टू गेट रेडी। मेंटली भी आपने रेडी रहना है, जो आप अगर कोई काम कर रहे हो, अगर आप फिजिकली आप रेडी हैं बट मेंटली आप, सपोज यू आर सिटिंग इन योर क्लास, आप क्लास में बोर्ड देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बट मेंटली यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर, यू आर नॉट फोकस टुवार्ड्स दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। फिजिकली और मेंटली आपकी प्रिपरेशन अगर होगी किसी भी काम को करने के लिए, उसका आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपने फिजिकली एज वेल एज मेंटली रेडी रहना है। आज की डेट में अगर आप कोई भी गेम खेलते हो, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो मेंटली वन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो वार्मिंग अप हम कैसे करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको लिखाई है, रोटेशन एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं, जॉगिंग, साइकिलिंग, ठीक है, कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज हो गई है, ये आपकी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइज, उसमें हम साइकोलॉजिकली, देन आपका फिजियोलॉजिकली वार्मिंग अप। फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप में हम क्या करते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मीन्स जो आप अपने आप करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर, कोई भी दूसरी चीज की हेल्प के बगैर आप जो एक्टिवली पार्ट लेते हो, जैसे आपका जनरल वार्मिंग अप हो गया, स्पेसिफिक वार्मिंग अप हो गया। अब ये जो जनरल वार्मिंग अप होता है आपका, जनरल वार्मिंग अप एंड स्पेसिफिक, इसमें मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जनरल वार्मिंग अप फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, आप कोई भी गेम खेलना चाहते हो उससे पहले जो आप पूरी बॉडी को वार्म अप करते हो, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, सिंपल है। इसमें जो भी हमने एक्सरसाइजेस करनी है, वी हैव टू स्टार्ट आर एक्सरसाइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप से आईज रोटेशन, नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ये पूरा नीचे तक। देन स्पेसिफिक वार्मिंग अप, स्पेसिफिक मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आपने गेम खेलनी है उस गेम में जो आपके पर्टिकुलर मसल इन्वॉल्व होते हैं उनको हम मेन फोकस करते हैं, ठीक है। आपने अगर शॉर्टपुट को फेंकना है तो आप, आपको शॉर्टपुट के लिए कौन कौन से मसल यूज होते हैं मेनली, हाँ जी, अगर आप शॉर्ट पुट फेंकते हो तो बेटा विच मसल, विच बॉडी पार्ट इज मेन यूज बाय ए थ्रोअर, कौन सा करते हैं शुभी, बताओ। सर शोल्डर के आर्म्स के शोल्डर के, आर्म्स के,
और सर और नहीं पता। आपने जब थ्रो हम करते हैं, ठीक है, शॉर्ट पुट हम होल्ड करते हैं, आप हम जो फिंगर्स की बेसमेंट पे हम यूज करते हैं, फिंगर्स सपोर्ट के लिए होती है, शोल्डर पे हम रखते हैं, नो डाउट शोल्डर का आपका पूरा यहाँ का शोल्डर का यूज उसमें होता है, बट ये पूरा आपका अपर एक्सट्रीमिटीज, ये शोल्डर डेल्टॉइड मसल्स, ठीक है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स, पीछे लेटिसमस डोर्सी, बैक मसल, ठीक है, ये ट्राइपेजियस, क्योंकि आपने पूरा थ्रो करना होता है आपका हिप, ठीक है, लोअर पोर्शन से हिप, ये आपको हेल्प करते हैं जब आप इसको रिलीज करते हो, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जब हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है, एज यू नो वेयर स्पीड एंड स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आपने शोल्डर का, आपका बैक सारे मसल्स हो गए, हिप हो गया, क्योंकि आपने इसको पूरा अपर बॉडी से रिलीज करना होता है, देन स्पीड जो मोमेंटम आप लेते हो, ठीक है, जो आप मोमेंटम गेन करते हो बाय स्विंगिंग योर बॉडी, दैट इज डिस्को पुट स्टाइल, इफ यू आर डूइंग पैरा देन देर इज ए ड्रैग एंड फ्लिक, पैरा ओब्राइन जो स्टाइल होता है उसमें क्या होता है, स्टेशनरी पोजिशन से उसमें भी मोमेंटम गेन करते हैं, उसमें टेक्निक डिफरेंट होती है, उसमें आप ड्रैग करते हो बॉडी को टुवार्ड्स थ्रोइंग सेक्टर, इन डिस्को पुट वहां पे आप ऐसे सर्कल राउंड लगाते हो, स्विंग बॉडी को जितना लोगे उतना आपको ज्यादा मोमेंटम गेन मिलता है। तो स्पेसिफिक का मतलब हमारा होगा डायरेक्ट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है, तो इसके बाद एक्टिव ये हो गया आपका, पैसिव में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, सपोज सम टाइम क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत कोल्ड वेदर है जहाँ पे, ठीक है, एनवायरमेंट में आप जा रहे हो, वहां कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, सम टाइम दे आर टेकिंग सोना बाथ, बीवरेजेस, कॉफी, हॉट कॉफी, उससे क्या होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वार्मिंग अप, पता है आपको ये बेटा, यस सर, सो पैसिव हाँ वार्मिंग अप। सोना बात होता है जिम में, ठीक है, वो इंडोर ही आप रहते हो, बाहर बहुत ज्यादा अगर कोल्ड है, आपके जितने भी स्टेडियम बने होते हैं वहां पे ऑलरेडी इनसाइड जिम होते हैं, जितने आपके अच्छे स्टेडियम्स हैं जहां पे अच्छे टूर्नामेंट होंगे, तो वो अपने इनसाइड ही अपने आप को वार्मिंग अप करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ठंड होने की वजह से आपकी बॉडी जल्दी वार्म अप नहीं होती है, और बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो आपको गेम में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस करके वो क्या करते हैं अपने दिस टाइप ऑफ मेथड्स यूज करते हैं, कॉफी पी ली, हॉट कॉफी पी ली है, उससे एकदम आपका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाएगा, सोना बाथ, इनसाइड आप सब कुछ एक्टिविटीज करोगे, बाहर नहीं जाते हो, तो ये आपके डिफरेंट एक्सरसाइजेज है रिलेटेड टू आपके वार्मिंग अप। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है स्पोर्ट्स पर्सन को, अगर कोई भी बच्चा अगर कोई भी गेम खेलता है, ठीक है, उसको स्टार्टिंग में बिगनिंग में वो उसको सिर्फ एक चीज का शौक होता है कि मैंने ग्राउंड में जाना है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं सारा दिन बैटिंग करता रहूँ, ठीक है, बस उसको आप बैट दे दो आउट भी होगा, वो बोलेगा मैंने बैटिंग ही करनी है, बॉलर है वो बोलेगा बॉलिंग करनी है, सेम इफ यू आर अ टेबल टेनिस प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, यू जस्ट गो इन द कोर्ट एंड स्टार्ट प्लेइंग, बट उनको ये नहीं पता होता है कि वार्मिंग अप के बगैर आप गेम खेलते हो, अभी छोटे हो थोड़ा टाइम आपको कुछ नहीं हुआ, बट लेटर स्टेज में क्या होता है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कोई ना कोई, तो वार्मिंग अप का स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा रोल है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको फिर पता लगती है जब आप कोई अच्छा टूर्नामेंट खेलने जाओगे, यहाँ पे आपका मैच कोई अच्छे प्लेयर से पड़ गया है, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी करनी पड़ जाती है, तो वहां पे फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा काम आती है, और वो ही आपने अच्छे लेवल पे जितने आपने मैचेस देखे होंगे अभी ओलंपिक्स में देखा होगा, ठीक है, फिटनेस बहुत ही ज्यादा काउंट करती है किसी भी प्लेयर की, समटाइम यू हैव सीन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स एथलीट दे आर कम्पीटिंग फॉर द फोर्थ ओलंपिक, कोई तीन थर्ड ओलंपिक है, किसी का फोर्थ ओलंपिक है, वो सिर्फ बेटा इसीलिए कि उन्होंने अपनी फिटनेस को मेंटेन रखा है, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप 20 इयर्स तक इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी गेम में क्वालिफाई कर रहे हो, ठीक है, ओलंपिक में क्वालिफाई करना, ओलंपिक में खेलना इट्सेल्फ एक
बिग बिग अचीवमेंट किसी भी प्लेयर्स के लिए, ओलंपिक में खेलना बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, एंड यू आर प्लेइंग दैट पर्टिकुलर इवेंट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. आपका थर्ड ओलंपिक है या फोर्थ ओलंपिक है, इट इज क्वाइट, आप ये कह लो कि एथलीट की फिटनेस लेवल और उसका कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी होगी, बिकॉज यू नो देर इज अ क्वालिफिकेशन होती है, क्वालिफाइंग राउंड होते हैं. इफ यू क्वालिफाइड दैट पर्टिकुलर गेम में, तभी आप आगे जा सकते हो. ये नहीं है कि हम इंडिया का बेस्ट प्लेयर हमने यहाँ से भेज देना है. देर इज क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है, जैसे आपके टेस्ट होते हैं ना आर्मी के, पुलिस के, वहां पे क्राइटेरिया होता है 100 मीटर, 1600 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट. अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तभी आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वो एंटरटेन करते हैं, अदरवाइज क्या होता है वो पहले ही बाहर कर देंगे जो क्वालिफाई नहीं करेगा. तो इसीलिए हर साल आप ये देख लो कि वो क्वालिफाई करते हैं और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज अ बिग बिग अचीवमेंट. अब हमने उसी प्लेयर को, एथलीट को, जब हम बताएंगे बेटा आपने पहले वार्मिंग अप करना, उसके बाद क्या करना, जब एंड ऑफ द गेम कूलिंग डाउन, ये दो चीजें आपकी गेम की, स्पोर्ट्स की, फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट आप हो, आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए लाइफ में, नॉट इन द गेम्स ओनली बट वैसे भी. अगर आपने कोई काम करना है, आपने कोई बकेट उठानी है, हैवी कोई चीज को उठाना है, तो वो आपकी बॉडी के क्लोज होना चाहिए, ठीक है. समटाइम क्या होता है, हम बाल्टी पानी की उठा रहे हैं, कोई दूर से उठा दिए तो आपका एकदम बैक में क्या होगा, बैक पोल स्ट्रेच हो गई है, बैक पेन बहुत ज्यादा है आजकल लोगों को, बहुत लेडीज को, ठीक है, बैक पेन होती है. फिर आपका सीटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, आपको सारा दिन आप बेड पे बैठे हो, टीवी बेड पे बैठ के देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको लाइफ, जो आपका लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आपकी फिटनेस पे पड़ता है. जो बच्चे आपने देखा होगा प्रोफेशनल होंगे जो स्टेडियम में खेल रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर कोचिज, क्वालिफाइड कोचिज, आप उनको देखना, उनका जाते ही वो अपना क्या करते हैं, ग्राउंड में सामान रखेंगे एंड स्टार्ट विद द जॉगिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है, वो सारी अपनी एक्टिविटीज पहले बॉडी की करेंगे. जो उनके गेम से जनरल वार्मिंग अप कर लिया उन्होंने, उसके बाद वो स्पेसिफिक में आ जाएंगे, वो जिस गेम से रिलेटेड है उन्होंने उस गेम की, जो हर गेम की आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है, हर गेम से रिलेटेड है. अब आपने बैडमिंटन खेलना है, आपको बॉल को क्या करना है, टैपिंग करते हैं आप, स्मैशिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आर्म्स को पूरा खोलेंगे आपको, ठीक है, अपना फुटवर्क की प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इन बैडमिंटन आपको पूरा कोर्ट कवर करना होता है, तो यू नीड शटल रन, आपने अपने स्टेपिंग फुटवर्क की प्रैक्टिस करनी है, सेम इन टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, ठीक है, जहां पे आप फुटवर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी पोजीशन प्रॉपर होनी चाहिए. अगर आपने रिसीव करना है शटल को, बॉल को, तो आपका फुटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए. सेम अगर आपने क्रिकेट वालों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, बैट्समैन पहले नॉकिंग करते हैं, मैच खेलने से पहले क्या करेंगे, नॉकिंग करेंगे. बॉलर होगा सिंगल विकेट पे, डबल विकेट पे, नेट पे, वो अपनी बॉलिंग की प्रैक्टिस करेगा, पूरा बॉडी को स्पेसिफिक वार्मिंग अप करेंगे. वो थ्रोअर होगा, वो पहले थ्रोअर करेगा, साइड पे खड़ा होकर अपना पूरा बॉडी को स्ट्रेच करेगा. तो उसके बाद जब ये सारी आपने एक्टिविटी कर ली, देन कूलिंग डाउन. एंड में आपने देखा होगा मोस्टली प्लेयर्स दे आर सीटिंग इन ए ग्रास, अगर आउटडोर गेम है वहां पे ग्राउंड में बैठ जाएंगे एंड स्टार्ट कूलिंग डाउन, स्ट्रेचिंग देयर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी दैट यू इन्वॉल्व व्हाइल डूइंग एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. स्लोली स्लोली वो हर बॉडी पार्ट को अपने स्ट्रेच करते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, कूलिंग डाउन, ठीक है, लिमरिंग डाउन, ये दोनों वर्ड सेम है, कूलिंग डाउन एंड लिमरिंग डाउन. एंड इट मीन्स कि यू हैव टू कूल योर बॉडी टेम्परेचर डाउन स्लोली स्लोली. जितनी आप स्ट्रेचिंग करेंगे नेक्स्ट डे यू फील फ्रेश. अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं प्रॉपर, हमने रनिंग कर ली आज 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, व्हाट हैपन नेक्स्ट डे, वो बोलते हैं ना खलियां पड़ गई जी, हमसे उठा नहीं जा रहा है, पेन हो रही है मसल्स में, दैट इज ओनली ड्यू टू दैट पर्टिकुलर, यू आर नॉट स्ट्रेचिंग दैट पर्टिकुलर मसल्स.
तो उसको स्ट्रेचिंग करना बहुत ही जरूरी है। बहुत से ऐसे बेटा एथलीट हैं वर्ल्ड में, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ठीक है, छोटे होते हुए उनको प्रॉपर, उनको नहीं पता, गाइडेंस नहीं मिली है, आपने वेट ट्रेनिंग हैवी कर ली है। और वन ऑफ द मेन रीजन, समटाइम बच्चे जो होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो वेट, उनको किसी एक माइंडसेट बना होता है कि हम जितना वेट करेंगे, ठीक है, वेट ट्रेनिंग करेंगे, उतनी स्ट्रेंथ हम में आएगी, पावर आएगी, हमारी गेम इंप्रूव होगी, और वो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, इट इज प्रेफरेंस ऑलवेज ट्वाइस ए वीक वी गो फॉर ट्रेनिंग, दैट इज वेट ट्रेनिंग, दैट इज मीन्स यू हैव टू स्ट्रेंथ दैट पर्टिकुलर पार्ट विद द लाइट वेट। आपने लाइट वेट यूज करने हैं वहां पे, यू आर नॉट गोइंग टू बिल्ड योर बॉडी एज ए बॉडी बिल्डर। आपने बॉडी नहीं बनानी है वहां गेम में, आपको गेम में स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि गेम में स्ट्रेंथ के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। अगर आप हैवी वेट करते हो, सपोज आप हैवी पुशअप्स करते हो, अपना वेट करते हो, स्क्वेयर्स लगाते हो, बेंच प्रेस हैवी करते हो, तो व्हाट हैपन, आपका स्लोली स्लोली बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाएगी। एज यू सी ऑल द बॉडी बिल्डर्स, जितने भी होते हैं पावर लिफ्टर, उनकी बॉडी स्टिफ होती है, और उनका जो बॉडी पोस्चर आप देखोगे, दैट इज एंटायरली डिफरेंट। वो आपको उनका बॉडी पोस्चर से आप बता दोगे कि ये वेट ट्रेनिंग करता है, हैवी पावर लिफ्टिंग करता है, वो आपको उनके लुक से, उनका द वे दे आर वॉकिंग, उससे आपको पता लग जाएगा। तो ऑलवेज प्रेफर लाइट वेट, मोर रेपिटेशन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रॉपर कोचिस, नहीं तो क्या होगा, इसका आपको साइड इफेक्ट पड़ जाता है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, इंजरीज हो जाएगी। जब भी आप किसी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर में अगर जाते हो, तो सबसे पहले इसीलिए वो आपको फर्स्ट इनिशियल के जो आपके स्टार्टिंग का, आप किसी भी कोचिंग, अच्छे कोचेस के पास जाओगे, वो आपको सबसे पहले आपकी फिटनेस लेवल पर चेक करेगा आपका, उसके बाद वो टेक्निक पे शुरू करेंगे। टेक्निक जो बिगनर्स, जो छोटे बच्चे हैं, यू कैन चेंज दैट टेक्निक, बट जो मेन हमारा होता है, उसका फिटनेस लेवल हम चेक करते हैं। जब तक वो फिट नहीं होगा, वो कोई भी अपना लाइफ में, अगर कोई भी हम उसको लोडिंग करते हैं, आपने समटाइम यू हैव टू प्ले मैचेस मोर, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन ग्राउंड, टू न्यू टेक्निक आ गई आपको, या आपके कोई मैचेस आ गए हैं, आपका टाइम ज्यादा हो गया, तो वहां पे आपकी फिटनेस ही काम आएगी, बाकी और कुछ काम नहीं आएगा। तो इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, फिटनेस जब आपकी ओके होगी, देन दे विल स्टार्ट विद द कोचिंग ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, फंडामेंटल स्किल्स, बिकॉज व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर स्किल्स टेक्निक्स, यू नीड अ लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी गेम की जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी डिपेंड करती हैं ऑन फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट पे, दैट इज स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। इसीलिए जो ट्रेनिंग का मेन जो हम स्टार्ट करते हैं, ये फाइव मेन कंपोनेंट से हम शुरू करते हैं। इसी को आपने ट्रेनिंग में इम्प्रूव करना है, स्टूडेंट्स की सारी चीजें। उसके बाद व्हेन ही और शी इज फिजिकली फिट, यू कैन गो फॉर एनी एक्टिविटी, यू कैन गो फॉर एनी लोडिंग, जिसको हम बोलते हैं कि लोड देना बच्चे को। अब हमने एक बच्चे को कहा 5 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है, ठीक है, आपने उसको कहा कि आपके, उसके बाद आपने उसको रेपिटेशन दे दिए, उसको फिर टाइम डिक्रीज कर दिया, उसको बोल दिया आपने ये टाइम में आप कर रहे हो, नाउ टुडे ऑनवर्ड आपने टाइम इतने में उसको करना है, टाइम को आपने रिड्यूस कर देना है, उसका जो रेस्ट पीरियड है उसको रिड्यूस कर देना है, इसको हम लोडिंग बोलते हैं। फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली वी इंक्रीज द लोड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज ऑन पर्टिकुलर एथलीट। उससे क्या होता है, जब आपकी फिजिकल फिटनेस है, तो आपको वो लोडिंग जो होती है, जो आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट मिलेगा, आपकी बॉडी उसको इजिली बेयर कर लेगी, उसको इजिली एडॉप्ट कर लेगी। आपने देखा होगा ना, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम इसीलिए करते हैं, ठीक है, बॉडी एक्लेमेटाइजेशन इसीलिए करते हैं, आप यूज टू हो जाते हैं। और जब भी हम कभी भी कोई टीम्स बाहर जाती हैं, यू हैव सीन कि वो 2 वीक 3 वीक पहले जाती है, सो दैट आपकी बॉडी वहां के एटमोसफेयर, एनवायरमेंट में यूज टू हो जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टू डेज
लेक्चर